किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियाँ वही हमारे मुद्दे। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी कैसरगंज लोकसभा के लिए? प्राथमिकता देखिए डेवलपमेंट, ये हमारा मेन फोकस है, डेवलपमेंट रहेगा और चुनाव खत्म हो जाएगा। एक बार हम लोग आपस में बैठ के प्लान बनाएंगे। जीतने के बाद वो क्या सौगात होगी जो कैसरगंज की जनता को मिलने वाली है? बहुत चीजें अभी इस पे बैठ के हम एक बार डिसाइड करके फिर देखेंगे। बहुत चीजें हैं, विश्वविद्यालय चला गया है क्या? हाँ, विश्वविद्यालय है, जरूर आएगा, मेडिकल कॉलेज है। जो फ्लाईओवर की बात है, सबसे बड़ी समस्या है। फ्लाईओवर में अभी बोलना नहीं चाह रहा था, हमारी फ्लाईओवर है जैसे जहाँ पता लग रहा है खुद जा रहे हैं, हमको जहाँ मिल रहा है दो तीन फ्लाईओवर है, मेडिकल कॉलेज है, सब जगह है, सिर्फ कैसरगंज में मेडिकल कॉलेज नहीं है, गोंडा में है, बहराइच में है, बस। किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में एक लड़का आशीर्वाद लेने आया है और पूरी जनता चुनाव लड़ा रही है, सब भाई एक परिवार है, सब चुनाव लड़ा। कैसरगंज लोकसभा से दो बार लगातार आपके पिताजी सांसद रहे, क्या उनका भी जो लोकप्रियता का लाभ है वो आपको मिल रहा है? उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सारा प्यार मुझे भी मिल रहा है। कैसे? बहुत कुछ, बहुत इसको जैसा जितना प्यार मुझे घर जैसा प्यार मिला है, घर जैसे इसकी देखभाल भी करूंगा। उनके चले कि कितने वोटो से करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं? बहुत बड़ी जीत होगी।